हेलो स्टूडेंट्स, साजिश सर, आज मैं आपके सामने क्लिप जो लेके आया हूँ वो है उर्दू बेसिक, उर्दू अल्फ़ाबेट्स। तो ये जो वीडियो है ये कोई एक क्लास के लिए महदूद नहीं है। दिस नॉट फॉर एनी क्लास, दिस इज़ फॉर एवरीबॉडी, हर एक के लिए। अब जो भी उर्दू सीखना चाहते हैं बिगिनिंग से, क्लासेस नर्सरी LKG से तक शुरू कर सकते हैं आप। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, हायर क्लासेस 6-7 आता उर्दू आपका सब्जेक्ट था लेकिन अगर आपको कुछ गड़बड़ हो रही है और कोई भी, बहरहाल पढ़ाई की कोई लिमिट है ना एज है, शुरू कर सकते हैं। यहाँ कोशिश की है मैंने वो जो अल्फाज हैं, लफ्ज़ है, अल्फ़ाबेट्स है, उनके प्रोनाउंसिएशन भी देने के लिए, और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन दिया है ताकि आसानी से आपको समझ में आए। चलिए शुरू करते हैं। अब पहला जो वर्ड है वो है अलिफ। अब इसका प्रोनाउंसिएशन होगा स्टूडेंट्स अलिफ, और याद रखिए उर्दू, फारसी दिस पर्शियन एंड अरबिक सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ लिखा जाता है इसका स्क्रिप्ट, अनलाइक इंग्लिश एंड तेलुगू। इंग्लिश एंड तेलुगू की तरह नहीं, वो लेफ्ट से राइट लिखा जाता है। तो पहला जो लफ्ज़ है अलिफ, अलिफ, अब इसको लिखेंगे कैसा, ऊपर से सीधा इस तरीके से लिखा जाता है जैसे कि वन लिखते हैं हम, उस तरीके से अलिफ। इसके बाद अलिफ पे मद लगाया जाएगा तो ये इसका जो आवाज़ है वो बदलती है। अलिफ के ऊपर ये जो सिंबल लगाया गया इसको बोलते हैं मद, तो ये प्रोनाउंसिएशन या आवाज़ बदलती है आ, तो अलिफ मद कैसा लिखा जाएगा, अलिफ इसके ऊपर ये मद लगाया, इसको पढ़ेंगे अलिफ मद, और इसकी आवाज़ कैसे निकलेगी आ, अलिफ आ छोटी आवाज़, और अलिफ पे मद लगा दिए तो बड़ी आवाज़ आ। इसके बाद जो नेक्स्ट लेटर है दूसरा वो है बे, बे यहाँ से सीधी तरफ से शुरू करेंगे, इस तरीके से लिखा जाएगा स्टूडेंट्स, और नीचे एक नुक्ता लगाया जाएगा, ये हो गया आपका बी। इसकी जो साउंड रहेगी बी की, बे बे। इसके बाद जो लफ्ज़ है वो है पी की साउंड, वो है पे पे। अब कैसा लिखा जाएगा, बे की तरह ही बनाया जाएगा लेकिन नुक्ते तीन लगाए जाएंगे, थ्री डॉट्स, तो ये हो गया आपका पे, अलिफ आ बे पे, पी साउंड, बी साउंड, ए साउंड। इसके बाद जो लेटर है लफ्ज़ है वो है ते, लिखेंगे कैसा, ऊपर दो नुक्ते सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ और टी की आवाज़ रहेगी, ते ते। इसके बाद जो नेक्स्ट है जो लफ्ज़ है वो है टे, जो अल्फ़ाबेट है वो है टे। टे के अंदर ऊपर इस तरीके से ये सिंबल बनाया जाएगा जो एक्चुअली आगे चल के आपको पता चलेगा तोए का सिंबल है, छोटा तोए, आगे आ जाएंगे ये अल्फ़ाबेट तोए कैसा लिखते हो आगे आ जाएगा, इसको तोए बोलते हैं। तो टे इस तरीके से, तो बे नीचे नुक्ता, पे नीचे तीन नुक्ते, ते ऊपर दो नुक्ते, टे ऊपर छोटी तोए बनाएंगे। प्रोनाउंसिएशन टी का रहेगा टे टे, लेकिन जोर ज़्यादा है, जैसा कि इंग्लिश में हम वर्ड बोलेंगे टेबुल, टे ट्रे, ऐसा ते के अंदर हल्की है और इसके अंदर आवाज़ टे यानी तालू से जबान टच होगी, टे। इसके बाद से, एस की आवाज तीन नुक्ते ऊपर, ये हो गया से, से अलिफ बे पे ते टे से। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे अल्फाबेट्स की तरफ आते हैं। इसके बाद जीम, जे की आवाज, लिखेंगे कैसा, लिखने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको इस तरीके से, बीच में एक नुक्ता लगा जाएंगे जीम। इसके बाद जो लफ्ज आता है चीम, चीम प्रोनाउंसिएशन सी एच का, चीम चर्च, जैसा कि इंग्लिश में लफ्ज प्रोनाउंसिएशन सी एच का आता आवाज चर्च, चीता, तो इस तरीके से चीम। लिखने के तरीके में जीम और चीम में थोड़ा सा फर्क है, क्या फर्क है, इसके पेट में एक नुक्ता है, इसके पेट में तीन नुक्ते हैं। और इसके बाद है हे, हेच की आवाज़, हे हे, इसके अंदर पेट में कोई नुक्ता नहीं बनाया जाता, अगर नुक्ता बना देंगे जैसा कि अभी बना के हटाया मैंने जीम हो जाता, अगर तीन बना दिए तो चीम हो जाता, इसलिए कोई नुक्ता नहीं बनाया जाएगा, हे हे। इसके बाद जो नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है खे, अब खे की प्रोनाउंसिएशन के हेच की होगी, हे हल्का रहेगा, खे खे तालू से टच होकर आवाज़ निकली, जैसा कि वर्ड होता है खान, खान के अंदर खान, खे, इसमें
इसकी ऊपर नुक्ता बनाया जाए, नुक्ता अगर बीच में अंदर पेट में बनाया जाएगा जीम हो जाता, ऊपर बनाया जाएगा खे हो जाता, तीन नुक्ते अंदर बनाए जाएंगे चीम हो जाता, कोई नुक्ता नहीं बनाया जाएगा हे हो जाता, जीम चीम है हे खे। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है दाल, डी की आवाज़ आएगी दाल, जैसा कि इंग्लिश वर्ड दी में, बाज लोग दा भी बोलते हैं इसको, दी इंग्लिश वर्ड टी है ची दी में जैसी आवाज़ है दी, जैसे कि दी 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 दी, दाल की आवाज़ लेकिन हल्की, डी की आवाज़ लेकिन हल्की। लिखेंगे कैसा स्टूडेंट्स, ये इस तरीके से लिखा जाएगा। इसके बाद उससे मिलता जुलता दूसरा जो अल्फ़ाबेट है वो है डाल, दाल के ऊपर छोटी तोए बनाई जाएगी डाल। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है डी की आवाज़ है लेकिन डी की आवाज़ भारी है, डाल डगाली डाल डाल डालडा, मशहूर घी का ब्रांड डालडा ऐसा, तो ये डाल इस तरीके से लिखा जाएगा डाल। और एक इसमें मिलता जुलता डंडा, बहुत काम की चीज़ डंडा। इसके बाद जो नेक्स्ट लफ्ज़ है वो है ये जेड की आवाज़ के साथ जाल, जाल जाल, जैसा कि वर्ड है जलील, बोलने में अच्छा नहीं है लेकिन एक मिसाल के लिए एकदम याद आ गया जलील जाल, तो ये लिखेंगे ऐसा इसके ऊपर एक नुक्ता। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट सेट हो गया स्टूडेंट। जीम मैं लिखने के लिए कैसा इसके ऊपर से ऐसे चाक से बता रहा हूँ, ये ऐसा जाएगा ये जीम, ये ऊपर से मुंडी ये ऐसा जाएगा, ये तीन नुक्ते लगाए चीम, इसके बाद ये ऐसा लिखे हे, फिर इसके ऊपर यह एक ऐसा गया ये खे, फिर ये ऐसा खाली कुछ नहीं लगाए तो डाल, ऊपर तोए बना दिए तो डाल, फिर इसको ऐसा लिख के ऊपर नुक्ता लगा दिए जाल, जेड की आवाज़ जाल। इसके बाद नेक्स्ट सेट आ गए हैं हम, वो है लफ्ज़ों में रे, आर की आवाज़ रे, रेस जैसा कि लिखना तरीका ऐसा करेंगे, ये है रे, ये खुला रहेगा दाल के मुकाबले में ज़्यादा खुला रहेगा, थोड़ा खुला रहेगा ये। इसके बाद अड़े, अरे अड़े रे अड़े, आवाज़ में भारीपन, तो ये इसमें इसके ऊपर क्या करेंगे छोटी तोए दिया जाएंगे। उसके बाद तीसरा वो है जे, जी जेड की आवाज़ जे, जे जाल से मिलता जुलता आवाज़ में प्रोनाउंसिएशन में मिलता जुलता, लिखने में थोड़ा खुला रहेगा, और इसमें भी एक नुक्ता जाल में भी, लेकिन जाल में हेड देंगे मुंडी बनाएंगे, इसमें जो है बिल्कुल नहीं रहेंगी खुला रहेगा, ये थोड़े से बारीक फ़र्क है, प्रैक्टिस जब आप करेंगे आता है आपको आएगा, पहली दफ़ा में थोड़ा मुश्किल होगी, जो शुरू से उर्दू बिल्कुल नहीं जानते उनको थोड़ी मुश्किल होगी। आराम सुकून से फॉलो करते रहिए, लिखने का तरीका भी बता रहे हैं आपको, वीडियो को बार बार देखिए, 5-6, 7-8 बार लिखिए, जब जाके कोई भी काम की शुरुआत शुरू में ही डिसइंटरेस्टेड मत हो जाइए, हिम्मत से करते रहिए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है सेट वो है सीन, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है सीन, एस की आवाज़, ये इस तरीके से लिखा जाएगा, दो शोशे, इसको शोशा बोला जाए, दो शोशे और बड़ा जो है दायरे की नुमा बनाया जाएगा सेमी सर्कल। इसके बाद उससे ही मिलता जुलता है, उसके अंदर तीन नुक्ते लगाए जाएंगे, वो है शीन, सीन ऊपर का, इसके बाद अभी जो लिख रहा हूँ तीन नुक्ते बनाए सीन शीन, एस की आवाज़ एस एच, जैसा कि हम बोलते हैं शी, शी इंग्लिश में बोला जाता है शी, हॉस्पिटल्स में देखते हैं आप एक बच्चा ऐसा उंगली लगाकर ऐसा वहाँ लिख रहा था शी ऐसा। इसके बाद सीन क्या हो गया शीन हो गया, इसके बाद जो नेक्स्ट है स्वाद, एस की आवाज़ है ये भी, ये लिखने के लिए ऐसा बनाया जाएगा, ये ऐसा बनाया जाएगा, ये है स्वाद एस की आवाज़, फिर उसके बाद उससे मिलता जुलता ये है ज्वाद, स्वाद ज्वाद, सीन चीन स्वाद ज्वाद। अब आए हैं हम, ये बार बार छोटे छोटे बनाए जा रहे थे, अब बड़ा है लफ्ज़ वो है तोए, ये इस तरीके से बनाए देंगे तोए, टी की आवाज़ तोए, उससे मिलता जुलता फिर आएगा, फिर उसके बाद इसको बोलेंगे जोए, तोए जोए, रे रे जे सीन शीन स्वाद ज्वाद, तोए जोए, लिखेंगे कैसा रे खुला ऐसा, रे ऐसा, जे ऐसा, फिर दो शोशे देके इस तरीके सीन, फिर दो शोशे बनाएंगे इस तरीके से लेकिन तीन नुक्ते लगाएंगे शीन, फिर ये आहिस्ता से बता रहा हूँ मैं कैसा लिखते, फिर रिपीट करके स्वाद, फिर इसके ऊपर लिखेंगे आप
ज़ुआद, फिर ये इसमें ऐसा सीधी लकीर, फिर उसके बाद ये उसमें बनाया जाएगा तोए, फिर ये ऐसी सीधी लकीर, फिर ये ऐसा बनाया जाएगा, ऊपर एक नुक्ता लगाएंगे ज़ोए। इसके बाद अब आखिरी सेट में आ गए हम यहाँ पे, ये है एन, ई की आवाज़ एन, लिखेंगे कैसा स्टूडेंट्स, ये ऐसा बनाया जाएगा एन। इसके बाद ये है गैन, एन और गैन में फ़र्क क्या है, यहाँ पे एक नुक्ता लगाया जाएंगे जी की आवाज़ गैन, गैन जी हेच की आवाज़ गैन। तो ये हो गया आपका, इसी बनाएंगे, बना के इसके ऊपर लिखेंगे गैन। इसके बाद आता है नेक्स्ट सेट, ये मिलते जुलते रहेंगे फे, एफ की आवाज़ फे, ये इस तरीके से मुंडी बनाई जाएगी, हेड बनाया जाएगा और इसे कश्ती की तरह बनाया जाएगा फे। इसके बाद काफ, मुंडी बनाए क्यों की आवाज़ काफ, तो ये इस तरीके से बनाया जाएगा। इसके बाद काफ, के की आवाज़ काफ, इसके बाद ये इस तरीके से एक लकीर खींची जाएगी। यहाँ इसके बाद आएगा गाफ, जी की आवाज़, यहाँ पे बनाया जाएगा इसी तरीके से दो लकीरें खींच जाएंगे काफ गाफ। इसके बाद लाम, एल की आवाज़ ला, ला एल ए ला, एल डबल ए ला, तो ये इस तरीके से ये लाम, दूसरे किसी में ये मिलता जुलता नहीं है। इसके बाद ये यहाँ से बिल्कुल अलग है एक दूसरे से, ये जो आ रहे हैं आगे लेटर्स ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। इसके बाद आता है मीम, एम की आवाज़, ये लिखने के तरीका इस तरीके से ये लिखा जाएगा मीम। उसके बाद आता है यहाँ पे नून, ये इसके बाद एन की आवाज़ नून। हाँ स्टूडेंट, यहाँ तक पहुँच गए हम नून तक, एन की आवाज़। अब आप क्या करो, मैं हट जा रहा हूँ बिल्कुल, अब आप क्या करो यहाँ तक का पूरा स्क्रीनशॉट लो, अब मैं यहाँ से हट जा रहा हूँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल चला गया हूँ, बोर्ड पे हूँ ही नहीं, सिर्फ मेरी आवाज़ आ रही है आपको। अब आप एक काम करो, यहाँ तक का पहला पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो जो इसको इस लेसन को फॉलो कर रहे हैं प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट, आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, अब आगे बढ़ेंगे हम। अब जो नून तक देखे थे हम, उससे आगे बढ़ते हुए दूसरा लेटर है अब आगे वाव, इसका प्रोनाउंसिएशन इसका इंग्लिश में लिखा मैंने वाव, डब्ल्यू की आवाज़ वाव, तो लिखेंगे कैसा, ये ऐसा मुंडी बनाई जाएगी, ये ऐसा लिखेंगे वाव। इसके बाद ये जो है एन का आधा कट करके बनाया जाता है, उर्दू में इसके लिए नाम है हमज़ा, ये इसके कुछ इस्तेमाल होता है उर्दू में, ये है हमज़ा, इसको लिखा जाता है इस तरीके से, एन पूरा नहीं किया जाता, ऐसा करके छोड़ दिया जाता है, छोटा एन समझ सकते हैं हम इसको, हमज़ा इसका इस्तेमाल होता है, आगे चल के जब लफ्ज़ बनाएंगे हम, अल्फाज लिखेंगे जब पता चलेगा। इसके बाद आते हैं हम हेच की आवाज़ हे, तो ये दो किस्म की हे होती है, ये एक हे है और इसको उर्दू में दो चश्मी हे बोला जाता है, ये क्या है, ये आवाज़ हे चेस्ट से सीने से निकाली जाती है, ये आवाज़ हे हलक से निकाली जाती है, ये हल्की साउंड है, लाइट साउंड है हेच की, और ये दो चश्मी है क्या है, हेवी साउंड है हेच की। तो लिखा कैसा जाएगा, ये इस तरीके से लिखा जाएगा हे, और ये इस तरीके से लिखा जाएगा ये हे, तो इसको बोला क्या जाता है उर्दू में हे, और इसको बोला जाता है दो चश्मी हे, मैंने लिख दिया यहाँ पे दो चश्मी हे, ये हल्की साउंड लाइट साउंड जो चेस से हे, मुंह खुला रहेगा हे, लेकिन ये क्या है हे, यानी हलक तक आवाज़ आएगी। इस्तेमालात आगे देखेंगे। इसके बाद आता है हमको वाई की आवाज़ के साथ दो अल्फ़ाबेट, एक होता है उर्दू में इसको बोलते हैं छोटी ये, और दूसरा होता है बड़ी ये, ये तो ठीक है आवाज़ वाई की है, छोटी का मतलब उर्दू में होता है स्माल, और बड़ी का मतलब उर्दू में होता है बिग, तो स्माल और छोटी मतलब, और बड़ी मतलब बिग, ये छोटी ये और बड़ी ये, लिखेंगे कैसे, वाई की आवाज़ रहेगी इसमें, ये इस तरीके से लिखा गया ये छोटी ये, ये इस तरीके से लिखा गया ये है बड़ी है, ये तो हो गया। अब एक कम इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ है जो आता है, या स्टूडेंट्स जो बोर्ड पे है यहाँ पे रे रे जे इसके साथ इस ग्रुप में आता है उर्दू में, लेकिन इसको अल्फ़ाबेट्स के साथ नहीं लिखते हैं, कम इस्तेमाल होता है, ये है जे, जे इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा जे, जैसा कि एक वर्ड आता है टेलीविजन, विजन जन जन के बाद, तो ये डिबेटेबल है, बाज़ जगह पे इसको इसमें शामिल करते हैं बाज़ जगह नहीं करते हैं, लेकिन उर्दू में अगर आप टेलीविज़न लिखेंगे तो फिर ये इस्तेमाल होता है, इसलिए मैंने इसको अलग बॉक्स में लिखा है ताकि आपको आसानी हो, समझ में आए। याद रखिए उर्दू अरबिक और फारसी यानी पर्शियन मिलते जुलते हैं, बाज़ वर्ड
लेटर्स उर्दू के अरबी में आते हैं, अरबी के थोड़े उर्दू में आते हैं, सब बे पढ़ेंगे यहाँ पे, अरबी में बा पढ़ा जाता है, इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखिए। वीडियो को शुरू से आखिर तक देखते रहिए। शुक्रिया, थैंक यू।